Hello students, today in this video I am going to teach you the formation of image by plane mirror and the nature of image formed. See, हमारे पास एक plane mirror है. Plane mirror में glass की sheet के ऊपर उसके back side में silver की metal से polish कर दी जाती है. तो इस तरह जो बनता है वो plane mirror होता है. और हमें इस object की, मान लीजिए point है, ये object हमारा, इस point की हमें इस प्लेन मिरर में इमेज फाइंड करनी है कि इसकी इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी. तो हमें पता है कि किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है एंड हमें इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कम से कम दो रेज की जरूरत पड़ती है. तो मान लेते हैं पहली रे हम ले लेते हैं जो नॉर्मली इंक्लाइन हो रही है, और पता है जो भी रेज नॉर्मली इंक्लाइन होती है वो उसी रास्ते से वापस जाती है, उसी रास्ते रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो इस पॉइंट से एक रेज नॉर्मल इंक्लाइन होती है और रिफ्लेक्ट होकर उसी रास्ते लौट आती है. मान लेते हैं दूसरी रे इस तरह इंक्लाइन होती है, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे हो जाएगी. यहां से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो जितने एंगल से इंसिडेंट रे नॉर्मल से बना रही है उतने ही एंगल से रे रिफ्लेक्ट होगी. तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई. तो जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मिलती है तो रियल में बनती है, पर ये दोनों रेज एक्चुअल में नहीं मिलेगी तो इमेज यहां तो फॉर्म होगी नहीं. तो क्या करेंगे, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और ऐसा अपीयर होगा कि ये दोनों रेज यहां से देखने पर ऐसा अपीयर होगा कि ये दोनों रेज इस पॉइंट से आ रही है. तो जहां ये दोनों रेज मिलेंगी वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज होगी. तो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. अब मान लीजिए कोई आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से है, पूरा ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी. तो इसकी इमेज इस तरीके से बनेगी. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर. एंड व्हाट आर द नेचर्स ऑफ द इमेजेस, इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर. सी दिस इज द वर्चुअल इमेज. वन थिंग यू शुड नोट डाउन दैट जो डाइवर्जेंट रेज होती है, जो भी रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो रही होती है, उन रेज से हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है. वर्चुअल इमेज हम अपने लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं. तो ये वर्चुअल इमेज है, ये जो वर्चुअल इमेज है ये इरेक्ट बनी हुई है. इरेक्ट मतलब सीधी, वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनी है. तो नेचर क्या हो गया इसका, इस इमेज का नेचर हो गया कि इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड दिस इमेज इज ऑफ सेम साइज. इमेज सेम साइज की बनी है, सेम साइज की इमेज बनी है. एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर. मीन्स सेम डिस्टेंस पर इमेज बनती है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड मीन्स लेफ्ट अपीयर राइट एंड राइट अपीयर लेफ्ट. सी समझते हैं, जैसे अगर हम किसी अल्फाबेट, मान लीजिए पी की इमेज देखते हैं, तो पी की इमेज हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती है. दिस इज नोन एज लेटर इन्वर्टेड. इसी वजह से एम्बुलेंस वर्ड जो लिखा होता है एम्बुलेंस के ऊपर वो उल्टा लिखा होता है, इन्वर्टेड लिखा होता है, ताकि जो व्हीकल आगे जा रहा हो वो अपने मिरर में उसके वर्ड उस वर्ड को सीधा देख सके. सो दिस इज नोन एज द लेटर इन्वर्टेड. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज एट सेम डिस्टेंस एंड laterally inverted.